हेलो एवरीवन, वेल्कम टू मरीन ई ट्यूटर मरीन इंजीनियरिंग लेक्चर्स। आज की लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंबसन ऑफ फ्यूल इन बॉयलर्स। बॉयलर में फ्यूल कंबसन कैसे होता है, मेन बर्नर क्या होती है, पायलट बर्नर क्या होती है, इग्निशन टेम्परेचर्स क्या होती है, इसी टाइप ऑफ इंजन में हमारा कंबसन कैसे होता है और हमारी प्राइमरी फ्लेम क्या होती है, सेकेंडरी फ्लेम्स क्या होती है, एटोमाइजेशन कैसे होता है, आज हम ये टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। मैंने कंबसन ऑफ फ्यूल इन बॉयलर दो लेक्चर में डिवाइड किया है। फर्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओनली बेसिक पार्ट्स ऑफ बर्नर और सेकेंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बर्नर लाइक रोटरी कप टाइप ऑफ बर्नर, प्रेशर टाइप ऑफ बर्नर और स्टीम जेट टाइप ऑफ बर्नर हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो ओनली बेसिक पार्ट है, मैं बेसिक पार्ट बर्नर की डिस्कस करूंगा एंड 1 to 2 क्वेश्चंस, कुछ इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो फ्रीक्वेंटली और ऑलवेज आस्क्ड क्वेश्चंस होती है। हम स्टार्ट करते हैं कंबसन ऑफ फ्यूल इन बॉयलर। सबसे पहले कंबसन होने के लिए हमारा 3 एलिमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट जो होती है वो हमारी एयर होती है जो अवेलेबल होती है। ओके, अभी मैं बताऊंगा प्राइमरी एयर जो हमारी होती है वो एयर होती है फॉर एटमाइजेशन पर्पज। जो सेकेंड होती है वो हमारी फ्यूल होती है, फ्यूल में भी HFO भी हो सकती है और डीजल ऑयल भी हो सकती है। एंड थर्ड वन इज सोर्स ऑफ कंबसन होती है और बोल सकते हैं हमारा हीट होती है। तो ये 3 फैक्टर जो होती है विच लीड्स टू कंबसन प्रोसेस और विच कंप्लीट कंबसन प्रोसेस। तो हमारा 3 प्रोसेस जो होती है वो कंबसन प्रोसेस कंप्लीट करती है। अगर हम बात करें कंबसन की, तो अगर IC इंजन हो या इसी टाइप ऑफ इंजन हो, कंबसन तभी होता है जब हमारा हीट, फ्यूल एंड एयर प्रेजेंट हो और बोल सकते हैं जब फायर ट्रायंगल कंप्लीट हो। एंड सेकेंड थिंग इज कंबसन तभी होता है जब हमारा फ्यूल जो है वो हमारी इग्निशन टेम्परेचर अचीव करती है। तो अब बात करते हैं इग्निशन टेम्परेचर होती क्या है। इग्निशन टेम्परेचर वो होती है, हम बोल सकते हैं टेम्परेचर एट विच फ्यूल स्टार्ट्स गिव्स आउट वेपर्स। तो उस टेम्परेचर को, उस फ्यूल की टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। अगर कोई एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जब भी हमारा फ्यूल जो होता है वेपर्स प्रोड्यूस करने लगती है तो उस टेम्परेचर से हमारा इग्निशन टेम्परेचर स्टार्ट होता है और उस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो कंबसन होने के लिए हमारा इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल अचीव करना बहुत ही जरूरी होता है। यह हमारा बेसिक फंडामेंटल था और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वो था। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ कंबसन ऑफ फ्यूल इन बॉयलर टेक्स प्लेस। आप देख सकते हो ये हमारा बर्नर पार्ट है, ये हमारा बर्नर पार्ट है। ओके, ना अब ये जो हमारा है, ये जो मैंने पार्ट बनाया है वो स्वर्ल वेन्स है, वो एयर को स्वर्लिंग मोशन प्रोवाइड करती है। और ये जो मैंने बनाया है, ये पार्ट और ये पार्ट जो आप देख रहे हो, जो मैंने ब्लैक कलर से सेट किया हुआ है, वो हमारा रिफ्रेक्टरी है और इसे हम लोग क्वार्ल भी बोल सकते हैं। ओके, ना ये जो आप देख रहे हो, ये जो पार्ट होती है मीन्स ये ऐसी यहाँ पर ऐसा होता है, ये जो हमारी होती है ये बर्नर टिप होती है। ओके, और ये जोन जो है ये हमारा प्राइमरी जोन है और ये जोन हमारा सेकेंडरी जोन है और बोल सकते हैं सेकेंडरी फ्लेम जोन है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। ये जो आप देख रहे हो ये बर्नर फ्यूल है। तो बर्नर फ्यूल से पहले क्या होता है, मैंने अपनी बॉयलर स्टीम लाइन की डायग्राम में जो भी स्टीम शिप्स में यूज होती है फ्यूल, कैसे फ्यूल लाइन डायग्राम मैंने समझाया है जो स्टीम शिप में यूज होती है, आप वो लेक्चर रेफर कर सकते हो। ओके, तो जो बर्नर में फ्यूल जाने से पहले हमारा क्या होता है, फ्यूल जो होता है हमारी पाइपलाइन में ट्रेवल करती है और वहाँ पर हमारी हीटर लगी हुई होती है। वो हीटर मे बी इलेक्ट्रिक टाइप ऑफ हीटर होगी और बोल सकते हैं स्टीम टाइप ऑफ हीटर होगी। तो हमारा हीटर होती है और हीटर से हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल की टेम्परेचर को रेज करते हैं। और हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं द ऑयल इज फर्स्ट हीटेड इन स्टीम और इलेक्ट्रिक फ्यूल ऑयल हीटर एंड दिस रिड्यूस इट्स विस्कोसिटी
and make it easier to pump, filter and finally to atomize. मैं एक बेसिक लैंग्वेज में ये बोल सकता हूँ, जो हीटर जो होती है वो इलेक्ट्रिक टाइप ऑफ हीटर होती है और स्टीम टाइप ऑफ हीटर होती है, और वो फ्यूल की टेम्परेचर को रेज करती है ताकि वो इजिली पंप हो सके, इजिली फ्लो हो सके और इजिली एटोमाइज हो सके। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन आती है, जो हम लोग फ्यूल ऑयल हीटर जो होती है वहां पर हम लोग फ्यूल, मैंने इनिशियल में बताया था कंबसन होने के लिए फ्यूल की इग्निशन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, बट हम हीटर में कभी भी फ्यूल को इग्निशन टेम्परेचर तक हीट नहीं करते हैं। और एक ऑलवेज आस्क्ड और मोस्टली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है कि हीटर में हम फ्यूल को इग्निशन टेम्परेचर तक हीट क्यों नहीं करते हैं। नाउ इसके थ्री रीजन होते हैं। फर्स्ट रीजन अगर हम बात करें तो हमारा, जब भी अगर हम फ्यूल को इग्निशन टेम्परेचर तक अगर हीट करेंगे, हीटर्स में बोल सकते हैं हीटर के ट्यूब में, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर कुछ कार्बन पार्टिकल और रेसिड्यू डिपॉजिट्स होगी फ्यूल हीटर के ट्यूब में, जिसकी रेसिड्यू के चलते जो हीटर की इफिशियंसी है वो भी डाउन हो जाएगी, और क्या होगा, ओवर हीटिंग की भी चांसेस होगी, और इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं क्रैकिंग। ट्यूब जो हो सकती है वो क्रैक हो सकती है, और इस फिनोमिना को हम लोग क्रैकिंग कहते हैं। ओके, सेकेंड रीजन हमारा है गैसिफिकेशन। जो इग्निशन टेम्परेचर की जो डेफिनेशन है वो क्या थी, टेम्परेचर एट विच फ्यूल स्टार्ट टू गिव्स आउट वेपर। मींस जो हमारा, अगर सपोज अगर ये हमारा फ्यूल लाइन है, फ्यूल लाइन में सपोज ये हमारा स्टीम है, ये हमारा फ्यूल है। अगर हम हीटर के थ्रू इसे हम हीट करते हैं और हम इग्निशन टेम्परेचर तक अचीव करते हैं, तो ये क्या होगी, ये कुछ वेपर प्रोड्यूस करेगी, ये हमारा कुछ वेपर प्रोड्यूस होगा, और ये जो वेपर प्रोड्यूस होगा ये हमारा बोल सकते हैं फ्यूल पाइपलाइन में इंट्रैप्ट हो जाएगी ये वेपर। तो वेपर अगर इंट्रैप्ट हो जाएगी तो जो मास फ्लो रेट है, एम डॉट जो है मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल क्या है, वो फ्लो नहीं कर पाएगी, और हम बोल सकते हैं मास फ्लो रेट डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ वेपर ट्रैप्ड इनसाइड द फ्यूल लाइन सिस्टम। ओके, तो बोल सकते हैं वेपर लॉकिंग हो सकती है, इसलिए मास फ्लो रेट ऑफ ऑयल जो है वो डिक्रीज होगी। फर्दर उसके बाद मैंने ये आपको दिखाया है एरो से, जो कि बर्नर में जाती है फ्यूल, तो अगर फ्यूल लाइन में उसकी मास फ्लो रेट अगर डिक्रीज हो गई है तो फर्दर तो डिक्रीज होगी। तो सो थर्ड हमारी रीजन है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फ्लेम। अब जो हमारी होगी, ये जो एटोमाइजेशन होगी वो प्रॉपर नहीं होगी, और जो हमारी फ्लेम जो होती है, ये जो हमारी फ्लेम होती है, ये हमारी डिसकंटिन्यूअस होगी। तो इससे क्या होगा, हमारा इम्प्रॉपर फ्लेम नहीं होगा और इनस्टेबिलिटी आएगी फ्लेम में। तो इसलिए हम जो होता है फ्यूल को हम हीटर में ही इग्निशन टेम्परेचर तक हीट नहीं करते हैं। अब हम इसलिए हमारा ये टर्म्स आता है प्राइमरी फ्लेम एंड सेकेंडरी फ्लेम्स। ओके, अब इसकी हम प्रोसेस पढ़ेंगे। ये हमारी बर्नर है। ओके, नाउ अब हमारा फ्यूल लाइन से हमारा फ्यूल इंटर कर रहा है, वो बर्नर में जा रही है हमारी फ्यूल। ये हमारी बर्नर टिप है, ये हमारी बर्नर टिप है। नाउ अब आप देख सकते हो मैंने एक प्राइमरी एयर बनाया है और एक मैंने सेकेंडरी एयर की लाइन बनाया है। तो जो प्राइमरी एयर है मैंने रेड कलर से शो किया, और जो सेकेंडरी है मैंने ब्लैक से शो किया है। नाउ प्राइमरी एयर और सेकेंडरी एयर की फंक्शंस क्या होती है। सेकेंडरी एयर की फंक्शंस दो फंक्शन होती है, ये हमारी प्री पर्जिंग और पोस्ट पर्जिंग में काम आती है प्राइमरी एयर। प्री पर्जिंग क्या होता है, प्री पर्जिंग हमारा वो फिनोमेना होता है, सपोज बॉयलर को स्टार्ट करने से पहले जो बॉयलर में कुछ गैसेस होती है, कंबसन चैम्बर में जो कुछ गैसेस होती है वो कुछ एक्सप्लोजिव नेचर की गैसेस होती है, तो उस गैस को जो हम रिमूव करते हैं बॉयलर की ऑपरेशन से लाने से पहले, वो हमारा प्री पर्जिंग होता है। पोस्ट पर्जिंग क्या होता है, जब बॉयलर में कंबसन हो जाती है, आफ्टर कंबसन कुछ रेसिड्यू जो होती है वो कंबसन चैम्बर में रह जाती है, और वो क्या होती है, एक्सप्लोजिव नेचर भी बन सकती है, तो इसे हम क्या करते हैं, पोस्ट पर्जिंग करते हैं थ्रू सेकेंडरी एयर। वो एयर को फोर्स्ड करते हैं और वो हमारी जो भी
एक्सप्लोसिव नेचर की जो गैसेस है वो हमारी बाहर चली जाती है, वो हम सेकेंडरी एयर के थ्रू हम ये प्रोसेस करते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइमरी एयर क्या होती है। प्राइमरी एयर मैंने इनिशियल स्टेज में आपको बताया था कंबसन के लिए हमें एयर फ्यूल एंड हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो प्राइमरी एयर यहाँ पर एटोमाइजेशन की काम करती है, वो फ्यूल को फर्दर एटोमाइज करती है, बस हमारा प्राइमरी एयर की यही फंक्शन है। अब हम प्रोसेस की बात करते हैं। ये हमारा बर्नर, बर्नर है, यहाँ से हमारे फ्यूल ट्रैवल होती है और यहाँ स्टीप पर आके हमारे फ्यूल जो होती है एटोमाइज होती है। अब एटोमाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, सपोज ये हमारा फ्यूल ड्रॉप है, तो फ्यूल ड्रॉप है ये हमारी स्मॉल नोजल से ये फ्यूल ड्रॉप ट्रैवल करती है, जिससे फाइन पार्टिकल्स स्प्रे होती है और बोल सकते हैं जो एटॉमिक पार्टिकल्स जो होती है स्प्रे होती है, जिससे इसकी सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाती है और हमारा एटोमाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये हमारा एटोमाइजेशन प्रोसेस है, जो पार्टिकल्स होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में स्प्रे होती है, एटॉमिक लेवल में स्प्रे होती है और हमारा यहाँ से जो मैंने प्राइमरी एयर जो बताया प्राइमरी एयर के हेल्प से ये हमारी एटोमाइज होती है। अब एटोमाइजेशन जो होती है टू टाइप्स यहाँ एटोमाइजेशन होगी। फर्स्ट टाइप जो होगी वो हमारा हेवियर पार्टिकल्स मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, ये जो है ये हमारी हेवियर पार्टिकल्स होगी। और सेकेंड जो होगी वो हमारी लाइटर पार्टिकल्स होगी। आप देख सकते हो मैंने लाइटर पार्टिकल्स को अवे दिखाया बर्नर की तरफ से और फ्यूल पार्ट और जो हमारी हेवियर पार्टिकल्स है वो मैंने ब्लू कलर की सेंटर पर दिखाई है। ओके, तो हमारा दो पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक हमारा जो है लाइटर पार्टिकल्स जो मैंने रेड से अवे जाते दिखाया है बर्नर की ओर से, और मैंने ब्लू कलर की दिखाया वो हमारी हेवियर पार्टिकल्स है ना। अब ये हमारा होता क्या है, यहां पर फिनोमिना क्या है, यहां पर ये जो हमारा रीजन होता है ये जो लाइटर पार्टिकल्स होती है ये क्या होता है, अब हीट रिसीव करती है। जो हमारा हैवियर पार्टिकल्स है वो बोल सकते हो रेसिड्यू है और जो हमारा लाइटर पार्टिकल्स है वो हमारा लाइटर पार्टिकल्स होती है। तो लाइटर पार्टिकल्स क्या करती है, फर्दर हीट रिसीव करती है और ये हमारा टू मोड से हीट रिसीव करती है। फर्स्ट मोड जो होता है जो हमारी रिफ्रेक्टरी जो होती है, रिफ्रेक्टरी से हमारा हीट ट्रांसफर होती है और ये हीट रिसीव करती है। अगर बात करें सपोज अगर ये हमारा फ्यूल डीजल ऑयल फ्यूल थी तो ये जो हमारा फ्लेम जो होगी और बोल सकते हैं ये जो फ्लेम फ्रंट जो होगी, जो लाइटर पार्टिकल्स जो होगी वो हीट रिसीव रिफ्रेक्टरी से करेगी। सपोज अगर हमारा HFO होगी, हैवी फ्यूल ऑयल होगी, तो वो सफिशियंट नहीं होगी जिससे वो रिफ्रेक्टरी से हीट गेन करे, क्योंकि उसकी इग्निशन टेम्परेचर हाइयर होती है कंपेयर टू डीजल ऑयल से। तो यहाँ पर एक फिनोमिना आता है पायलट बर्नर, और ये हमारा जो होते हैं यहाँ पर हमारा पायलट बर्नर होता है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो होता है हमारा ये पायलट बर्नर होता है और पायलट बर्नर हमारी इलेक्ट्रोड होती है। ओके, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, एयर फ्यूल और हीट की रिक्वायरमेंट होती है और पायलट बर्नर में हमारा जो होती है वो डीजल ऑयल होती है। तो डीजल ऑयल होती है, तो यहाँ पर आप जो देख सकते हो ये इलेक्ट्रोड्स है और ये इलेक्ट्रोड जो वोल्टेज क्रिएट करती है वो 10,000 वोल्टेज क्रिएट करती है और इससे क्या होता है स्पार्किंग होता है और हमारा एयर अवेलेबल है और डीजल ऑयल है। तो यहाँ पर क्या होता है कंबसन स्टार्ट होता है और इस कंबसन से हमारी जो आउटर पार्ट की जो फ्लेम है और बोल सकते हैं जो लाइटर पार्टिकल्स है वो हमारी हीट रिसीव करती है इनकेस ऑफ HFO। अगर हमारा मेन बर्नर में HFO है तो हम पायलट बर्नर के थ्रू लाइटर पार्टिकल्स को हीट ट्रांसफर करते हैं, जो बोल सकते हैं हीट एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। अब इससे होता क्या है, अब इससे हमारा होता है जो फर्दर जो लाइटर पार्टिकल्स जो है वो फर्स्ट हमारा डीजल ऑयल से हमारा हीट लिया और इसके बाद ये हमारा जो होती है वो हेवियर पार्टिकल्स को हीट ट्रांसफर करती है। ओके, तो इस प्रोसेस से हमारा इग्निशन टेम्परेचर अचीव होता है, जो हेवी फ्यूल ऑयल की जो इग्निशन टेम्परेचर होती है वो अचीव होती है। मींस ये फर्दर जो हेवियर पार्टिकल्स है वो फर्दर हीट एनर्जी रिसीव करती है और अगेन हेवियर पार्टिकल्स जो है वो हमारा लाइटर पार्टिकल्स में कन्वर्ट होती है। ये हमारी अगेन
लाइटर पार्टिकल्स में ये कन्वर्ट हो रही है, जो मैंने दिखा रहा, मैं जो दिखा रहा हूँ। और ये आप देख रहे हो ये हमारी ऐसे सेम जाती है, क्योंकि ये जो मेन बर्नर होती है वो कुछ रोटेटिंग टाइप होती है, और बोल सकते हैं मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप होती है। तो एक अगर हम इसको कंसिडर करते हैं रोटेटिंग कप ऑफ टाइप ऑफ फ्यूल ऑयल बर्नर है, तो यहाँ एक कप टाइप हमारा जो आप देख सकते हो ऐसे शेप में हमारा रोटेटिंग शेप में हमारा ये होलो रोटेटिंग कोन हमारा ये शेप बनाता है। अब जो हमारे इनिशियल लाइट पार्टिकल्स थी, जब हमारा इनिशियल एटोमाइजेशन हुआ था, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी फ्लेम। और आफ्टर दैट जो पायलट बर्नर और अगर डीजल ऑयल है तो जो रिफ्रैक्टरी और क्वाइल से जो इनिशियल जो हमारा लाइटर पार्टिकल्स थी वो हीट रिसीव करती है, और फर्दर वो हैवी पार्टिकल्स को अगेन लाइट पार्टिकल्स में कन्वर्ट करती है, वो प्रोसेस हमारी होती है सेकेंडरी फ्लेम, जिससे जो फ्लेम जनरेट होता है वो सेकेंडरी फ्लेम होती है और ये प्राइमरी फ्लेम होती है, और दोनों कंबाइन जो होती है प्राइमरी फ्लेम प्लस सेकेंडरी फ्लेम हमारी वो बोल सकते हैं वो सस्पेंडेड फ्लेम होती है। और यहाँ पर हमारा फर्नेस होती है जिससे हमारा कम्बसन होता है, ये फर्नेस होती है। तो हमारा सेकेंडरी फ्लेम की जॉब क्या है, सेकेंडरी फ्लेम हमारा बॉयलर बॉयलर को हीटअप करती है, बॉयलर टेम्परेचर इंक्रीज करती है और हमारा स्टीम प्रोड्यूस करती है। तो ये हमारी सेकेंडरी फ्लेम से जो स्टीम जो प्रोड्यूस होती है वो हमारी सेकेंडरी फ्लेम होती है। तो आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और ये हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट थी कंबसन ऑफ फ्यूल इन बॉयलर्स की। अगर आपको ऐसा लगता है, इसमें कहीं डाउट हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। तो आज का ये हमारा कंबसन ऑफ फ्यूल इन बॉयलर्स था, जो आज मैंने सिर्फ बेसिक बर्नर्स के बारे में बताया, उसके प्रिंसिपल और उसकी वर्किंग बताया। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्नर्स, लाइक रोटेटिंग कप टाइप ऑफ ऑयल बर्नर एंड प्रेशर एंड स्टीम जेट टाइप ऑफ ऑयल बर्नर। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।